नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 2024 के चुनाव के पहले कई तरह की स्थितियां बदल रही हैं देश भर में। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरे तरफ एनडीए गठबंधन, और एनडीए गठबंधन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। सीटों के बंटवारे पर जहां इंडिया गठबंधन में अभी गहमा गहमी चल रहा है कि किन राज्यों में कितने सीटों पर जो पार्टियां शामिल हैं वो लड़ाई लड़ेंगी। बिहार की अगर बातचीत करें तो बिहार की स्थितियां भी बदल चुकी हैं। नीतीश कुमार अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। जो भी फैसला होगा उनके तमाम नेता विधायक सांसदों को मानना होगा। अगर वो नहीं मानते हैं तो शायद परेशानियां कहीं ना कहीं बढ़ भी सकती हैं। इधर राजद ने कल ही, हमने आपको बताया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी और सीबीआई का कहीं ना कहीं बातें रख दी थी मनोज झा ने, और कहा था कि देखिए बिहार सहित देश भर में ईडी और सीबीआई की सक्रियता बढ़ जाएगी। देखिए बिहार की राजनीति तो गर्म है ही, लेकिन 2024 के चुनाव के ठीक पहले अन्य राज्यों की अगर बातचीत करें तो अन्य राज्यों में भी गहमा गहमी तेज हो गई है। अगर झारखंड की बातचीत की जाए तो झारखंड में भी एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में जो ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया, एक समय ऐसा भी आया बीच में जब ऑपरेशन लोटस करने की तैयारी बिहार और झारखंड में भी की गई थी। झारखंड में भी तो पूरा स्क्रिप्ट और प्लानिंग बन चुका था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन अब देखिए एक बार फिर से झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। झारखंड में जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन पर पहले से ही ईडी और सीबीआई की दबिश है। अब उनके करीबियों पर ईडी और सीबीआई की दबिश शुरू हो गई है। सुबह सुबह जनवरी के 3 तारीख के दिन आज देखिए ईडी ने और सीबीआई ने जो हेमंत सोरेन हैं उनके करीबियों के ऊपर में दबिश देनी शुरू कर दी गई है। जो प्रेस सलाहकार हैं उनके घर पर छापेमारी चल रही है। इतना ही नहीं, कई अन्य करीबी हैं जिनके ऊपर में ईडी और सीबीआई की छापेमारी शुरू हो चुकी है। ईडी ने आज अहले सुबह नामचीन पत्थर व्यवसायी कन्हैया खुडानिया के पुराने आवास पर पहुंची है। सूत्रों की माने तो कन्हैया खुडानिया के आवास पर ईडी की टीम ने उनसे कई कागजातों के मामलों में पूछताछ की है। साथ ही खनन से जुड़े कई मामलों की भी जानकारी ली जा रही है। वहीं दूसरी टीम उपायुक्त राम निवास यादव के आवासीय कार्यालय पहुंची है और उनसे बातचीत हुई है। मामले में कोई जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई, लेकिन सूत्र बताते हैं कि खनन से जुड़ी बातों पर चर्चा हो रही है। कन्हैया के आवास पर टीम करीब 3 घंटे से छापेमारी कर रही है। साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव और व्यवसायी कन्हैया खुडानिया दोनों से ईडी की पूछताछ जारी है। बीते अगर 2021 की बातचीत करें तो 8 जुलाई को पर्यटक निदेशालय की टीम के द्वारा साहिबगंज जिले के 18 ठिकानों पर छापेमारी अभियान चलाया गया था। अब जांच के क्रम में जो विधायक है पंकज मिश्रा सहित कई लोगों के अवैध खनन पर छापेमारी जो है वो चल रही है। इन तस्वीरों को आप जरा अपने स्क्रीन पर गौर से देखिए, जो उपायुक्त हैं उनके आवास पर किस तरीके से ईडी और सीबीआई की रेड जो है वो चल रही है। साथ ही साथ साहिबगंज की अगर बातचीत करें तो साहिबगंज में भी छापेमारी जारी है। वहीं हजारीबाग के डीएसपी राजेंद्र दुबे के आवास पर भी छापेमारी जारी है। ईडी और सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है अहले सुबह और वहां पर जाकर छापेमारी जो है वो की जा रही है। आपको बता दें कि इसके पहले में जिस तरीके से दिल्ली की अगर बातचीत की जाए तो अरविंद केजरीवाल के परिवार की भी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। इधर हेमंत सोरेन के करीबियों पर ईडी और सीबीआई की दबिश आज सुबह सुबह पड़ गई है। आपने कल देखा होगा कि जो बिहार में पूर्व में मुख्यमंत्री रही राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव का जो प्रकरण हुआ था, उस प्रकरण को दोहराने की भी चर्चा झारखंड में चल रही थी कि अगर जो हेमंत सोरेन हैं उनके ऊपर अगर कार्रवाई होती है, दबिश दी जाएगी, तो वो क्या करेंगे। चर्चाएं ये उठ गई कि उनकी जो पत्नी है उनको वो मुख्यमंत्री बना सकते हैं, यानी कि लालू राबड़ी राज पार्ट 2 झारखंड में देखने को मिल सकता है और वहां पर स्थितियां बदल सकती हैं। वहीं स्थिति अगर दिल्ली की बातचीत की जाए तो दिल्ली में भी वही कारण बन रहा था। हालांकि अरविंद केजरीवाल क्या कुछ फैसला लेते हैं इस पर निर्भर करेगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि ईडी और सीबीआई की दबिश दोनों जगहों पर सबसे ज्यादा तेज हो चुकी है। फिलहाल जो भी घटनाएं होंगी, जो भी अपडेट होगा, लगातार भारत लाइव के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।